सही बात बोलना चाहते हैं। मेरे प्रिय बहनों, आप समझते हैं? आप समझ रहे? Yes. Yes. परमेश्वर ने देखा कि अब इस जीवन का पेड़, यहां पे बुरे का भी पेड़ था तो जीवन का भी पेड़ था, जीवन के पेड़ से परमेश्वर ने उस पेड़ को हटा दिया। उसने उस पेड़ के आजू बाजू घूमती हुई तलवार को रखा। वो जीवन का पेड़, उसको अभी कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अगर अपना हाथ बढ़ाकर इस जीवन के पेड़ से उस फल को खाएगा तो हमारे समान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उस जीवन के पेड़ के आजू बाजू उसने घूमने वाली तलवार चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में, चारों दिशाओं में घूमने वाली तलवार, जलापन की तलवार रखा ताकि उसमें से कोई ना खाए। यस, कोई खा नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, कोई उसे स्पर्श कर नहीं सकता, क्योंकि जो भी उसे छुएगा वो मर जाएगा। यस, अब समझ रहे हो? यस। अब जैसे ही अब परमेश्वर ने ये मौका, हमने मौका खो दिया, मानव जाति ने मौका खो दिया। इसलिए जब उस पेड़ को कोई भी, वो पेड़ को ले, जीवन का पेड़ यीशु मसीह, yes. वो तलवार को ले, वचन, yes. और उसे कोई छू नहीं सकता, yes. उसे कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास कोई आ नहीं सकता। आप समझ रहे थे? yes. अब क्या हुआ? अब परमेश्वर आवाज के द्वारा बात करने लगा, yes. बादल में से बात करने लगा, अग्नि के पिलर ऑफ फायर से बात करने लगा। कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई उससे भेंट नहीं कर सकता। या तक कि व्यवस्था विवरण में कहा कि उस पहाड़ पर जब यहोवा परमेश्वर उतर कर आता था, जानवर भी वो वहां पर कंपाउंड फेंसिंग बनाया जाता था, और कोई जानवर पशु वहां पर न जाए, जो भी उसे छुएगा उस पहाड़ पर वो मारा जाएगा। yes. जो भी उसको छूता था मारा जाएगा। जालम की तलवार घूम रही है। yes. आप समझ रहे हो? yes. कौन कौन घूम रहे? जालम, जालम की तलवार। अब उस जीवन के, जीवन का रुष्य अब उसे छू नहीं सकते। बहुत सारे क्रिश्चियन है, चर्च जाते हैं, मसीह है, हम गर्व से कहते हैं कि सालों सालों से हम, इतनी पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, लेकिन आज भी उसे छू नहीं सकते। yes, वे आज भी छू नहीं पा रहे। जो भी उसे छुएगा वो मारा जाएगा। yes. जो भी उसे छुएगा उसे, लेकिन एक स्त्री थी जिसका नाम, जो लहू बहने वाली स्त्री, जो मरकुस के पुस्तक में 5:25 में कहा कि एक स्त्री थी जो 12 साल से लहू बहने थी, 12 साल से लहू के कारण वो जीवन जी रही थी, और वो इतनी परेशान और दुखी थी, लेकिन उसके पास उसने जाना कि अगर यीशु मुझे मिले ना मिले, मैं केवल उसके वस्त्रों को भी छूंगी तो भी मैं चंगा हो जाऊंगी। yes. वो तो अनेक शास्त्री पुरुषों के सामने से गया, लेकिन लोगों ने उसे छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, लोगों ने उसे पहचाना नहीं। वही जीवन का पेड़ 2000 साल पहले आदि में वचन था, वचन ही देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आया, लेकिन केवल उसी स्त्री ने, हजारों लोगों ने उसको छू नहीं पाया, हजारों लोगों ने उसको वो छू नहीं पाया, लेकिन वो जो स्त्री थी उसने जाकर उसके कपड़े के कोने को छुआ तो उसने उस जीवन के पेड़ को स्पर्श किया। उसने किसको स्पर्श किया? जीवन के पेड़। yes, amen. हजारों लोग थे, कोई उस पेड़ को स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। उस देह में साक्षात 2000 साल पहले वो जगत की उत्पत्ति का पेड़, वो जीवन का पेड़, वो उतर कर आ गया, वो देहधारी हुआ, उसने तो वो देहधारी हुआ मनुष्य के बीच का। yes, amen. कोई उसे छूने पा,
कोई छू नहीं पा रहा है, लेकिन स्त्री ने कहा मैं कुछ भी हो मैं तो उसको छूंगी, वो मेरे से प्रार्थना करे ना करे, वो मुझे देखे ना देखे, वो मेरे पर ध्यान दे ना दे, वो मुझे हाथ लगाए ना लगाए, मैं तो छूंगी। yes. वो खींचते हुए लोगों को चीरते हुए भीड़ में से, और वो उसने जाकर केवल यीशु के वस्त्रों के कोने को छुआ, चंगी हो गई। yes. वो तो चल भी नहीं सकती थी कुबड़ के समान, क्योंकि 12 साल से लहू बह रहा था, तो उसके शरीर में लहू रहने का कारण ही वो बलहीन हो चुकी थी, वो तो हमारे जैसे चल ही नहीं सकती थी। शायद वो तो भविष्य का कहता है कि वो घसते हुए आई, वो घिसते हुए आई, और उसने भीड़ भाड़ में से उसी पेड़ को छुआ, उसी यीशु को छुआ, और उसका विश्वास था कि मैं इसे छूंगी। yes. तो yes, वो देखे ना देखे, वो मुझे छुए ना छुए, वो मुझसे बोले ना बोले, लेकिन मैं छूंगी। yes. चर्च में सब आने वाले यीशु को नहीं छूते, अगर सब छूते तो जीवन उनके पास होगा। yes. जीवन उनके पास होता, उनके पास मसीह का जीवन होता, मसीह उनके अंदर होता। yes. Yes, उपवास करो, अच्छा है उपवास करो, लेकिन अनेक लोग आज भी मसीह है उस जीवन के पेड़ को छू नहीं सकते। एक बार राजा दाऊद ने उस संदूक को लाने की कोशिश किया, उस संदूक में क्या था, 2 पाटियां, हारून की लकड़ी, सोल से गिरा हुआ मन्ना, और उसको नए बैल जोड़ी के अंदर, उसको नए अंदर लेकर आए, और जब लेकर आए तो पहले तो उसने गलती किया कि जो भी संदूक कंधों पे लाना चाहिए मनुष्य का कंधा होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, लेकिन इसने बैलों के ऊपर लाया, ठीक है, लेकिन जब बैल चलने लगे, नए बैल और नए बैलगाड़ी थी, लेकिन जैसे ही पत्थर और कुछ छू गया तो बैलगाड़ी गिर गई, तो दोनों भाई जो थे बड़े ही आत्मिक धार्मिक थे, वो चाहते थे कि हमारा परमेश्वर का संदूक गिर गया। बहुत बार हम अपने हाथ से बाइबल छूटता है, हम उठाने की कोशिश करते तोबा करते क्योंकि बाइबल गिर गया हमारा, उनको भी लगा कि हमारे परमेश्वर का संदूक गिर गया, और उन्होंने दोनों भाइयों ने उस संदूक को झेलने की कोशिश किया, उसे गिरने से बचाने की कोशिश की, जैसा ही छुआ संदूक को, जैसा ही छुआ वे तुरंत मर गए। कोई छू नहीं सकता क्योंकि ज्वालामय तलवार थी, लेकिन वही ज्वालामय तलवार, वही जीवन का पेड़, वो अपने आप को मनुष्य के रूप में देहधारी हुआ ताकि उसको छुए। yes. वो देहधारी हुआ, अब उसको छूना चाहिए, अब उसके पैर धोना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक पापी स्त्री ने, उसने तो रो रो के उस जीवन के yes. अपने पाप क्यों क्षमा हो गए, जो भी गा भी जो भी छुएगा वो हमारा समान हो जाएगा। yes. Praise the Lord. वो सही में पापी थी, वेश्या थी, वेश्या ने भी यीशु के पैरों को छुआ, और जैसे ही छुआ वो पवित्र हो गई, उसके पाप सारे क्षमा हो गए, और वो एक पवित्र जीवन जीने लगी। वादी में ही परमेश्वर यहोवा ने कहा जो कोई इस पेड़ को छुएगा हमारे समान होगा। यहोवा परमेश्वर कैसा है, वो पवित्र है। yes. आप समझ रहे हैं? yes. पूरे देश में से एक लघु बहन वाले से छुआ, पूरे देश में से एक वेश्या ने उसको छुआ, उनका जीवन बदल गया। yes. उनका स्वभाव बदल गया, वे अशुद्ध से पवित्र हो गए, उनका जीवन पवित्र हो गया, वो जीवन का पेड़ वो हमारे लिए चल रहा है, वो अदर वो उस यरूशलेम में चल रहा है, वो जीवन का पेड़ लोगों से बात कर रहा है, लेकिन जिसने उसे पहचाना, जिसने उसे छुआ, उसके अंदर जीवन आ गया। yes, क्योंकि हमें छूने के अब
हमें तो अधिकारी नहीं है। नबी कहता है अब हमें अधिकारी नहीं है कि हम उसे छुए, क्योंकि तलवार आजू बाजू रखा है, घूमती हुई तलवार, ज्वालामय तलवार, उसमें से कोई ले नहीं सकता। वो तलवार क्या है? वचन। आज हमें जीवन चाहिए तो इस तलवार से, इस वचन से होकर आपको जीवन में छूना पड़ेगा। यस आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही अच्छी बात। वो जीवन का पेड़ आज हम कलीसिया में आ रहे हैं, चर्च आते हैं, सालों से मसीह है, बपतिस्मा लिया है, क्या यीशु को छू पाए, स्पर्श कर पाए? उस स्त्री ने तो कहा वो देखे ना देखे, वो मुझसे बोले ना बोले, लेकिन मैं उसे छू। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं, थोड़े लोग उसे छू पाते हैं। यस। थोड़े लोग उस जीवन के पेड़ को स्पर्श कर पाते हैं, थोड़े लोगों के पास ही जीवन आ पाता है। मैं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको मुझे जीवन देना चाहता है, लेकिन आप कोशिश करो, आप उसे छुओ। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम पिकनिक की तरह चर्च चर्च पिकनिक नहीं है, चर्च एक भक्ति का स्थान। yes, रोज आओ, रोज उपासना करो, ओ हर संडे प्रभु की आराधना करो, हर बुधवार प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की आराधना करो, एक दिन वो आपको पता है। yes. लेकिन हम क्या कर पाते हैं, छूने पा रहे, इसलिए हमारा स्वभाव बदल नहीं पा रहा, हम उसे छूने पा रहे इसलिए हमारा जीवन नहीं बदल पा। अगर आप छुओगे, अगर वो वेश्या ने उसके पैरों को उस मांस के अंदर, उस हड्डी के अंदर, वो जो ओ अलमाइटी गॉड, वो जो इटरनल लाइफ उसके अंदर था, उस देह के अंदर, और उसने उस इटरनल लाइफ को छू दिया। यस। उस अनंत काल के जीवन को छुआ और उसके अंदर जीवन आ गया। Yes. उसका स्वभाव बदल गया। इसलिए आदि में कहा वो हमारे समान होंगे, किसी मनुष्य के समान नहीं। आज चर्च कर रहा, मैंने जो चर्च की अपेक्षा की नासिक के अंदर की, एक ऐसा चर्च, एक ऐसा सच्चा चर्च, केवल वचन पर टिका हुआ। yes. परमेश्वर की महिमा करने वाला, yes. कलीसिया का अद्भुत काम हो। yes. इस कलीसिया में परमेश्वर का वचन हो, ये कलीसिया परमेश्वर की आराधना करने वाली कलीसिया हो, ये परमेश्वर महिमा करने वाले कलीसिया हो, ये अपेक्षा लेकर परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करके ये कलीसिया निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने इस देह का इस्तेमाल किया। लेकिन ये अपेक्षा नहीं किया कि कलीसिया में फूट हो, कलीसिया में झगड़ा हो, कलीसिया में पॉलिटिक्स हो, ये कदापि मेरी इच्छा नहीं है। और इस उद्देश्य से मैंने कलीसिया के लिए काम नहीं किया, इस उद्देश्य से परमेश्वर ने क्रूस पर जीवन नहीं दिया, इस उद्देश्य से हमने कलीसिया का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा लाया कि एक सच्ची कलीसिया इस शहर के अंदर निर्माण हो जो वचन वाली। yes, amen. कौन सी वचन? yes, पहले भी यही उद्देश्य था, बीच में भी मेरा यही उद्देश्य, आज मेरा वो उद्देश्य। आमीन। अगर हम कहते हैं भाई मेरे पास जीवन है, इटरनल लाइफ है, आप है मेरे साथ? yes. मेरे पास जीवन है, मेरे पास यीशु है। आप बताइए कि यीशु कब अपने लिए जिया, बताइए तो। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। yes, yes. वो दूसरों के दुखों में शामिल होता था, वो खुद भूखा रहा दूसरों के लिए रोटी देने की कोशिश किया। yes. इटरनल लाइफ जिसके अंदर अनंत काल का जीवन है वो सौर भी नहीं होता।
यस यस वो दिखावटी नहीं होता, वो केवल प्रेम करना जानता है, केवल वो परमेश्वर की महिमा करना जानता है, वो केवल दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लाभ के लिए। यस समझ गए? यस आमीन। इटरनल लाइफ कभी अपने लिए नहीं जीता, जिस भाई बहन के अंदर है वे कभी अपने लिए नहीं जीते। इटरनल लाइफ है तो कभी मुंह टेढ़ा नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं होता, कभी वाद विवाद नहीं होता, कभी दिखावा नहीं होता, कभी झूठी साक्ष्य नहीं बताई जाती, किसी के खिलाफ में बोला नहीं जाता, बल्कि दूसरों से प्रेम किया जाता। इटरनल लाइफ खुद दूसरों के पैर धोता है। जिस मछुआरों के पैर धोया वो इटरनल लाइफ थी, क्योंकि उसके अंदर वो इटरनल लाइफ था। जिसके अंदर इटरनल लाइफ था, जो जीवन का पेड़ था, उसने उस मछुआरे के पैर को धोया। मछुआरे के लिए उसने कहा, मछुआरे ने तो पैर को पीछे खींच लिया, उसने कहा यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तुझ में मेरा कुछ भी भाग नहीं रहेगा। कौन सा भाग? जीवन का भाग। यस हम साबित करते नहीं भाई, अगर जिसके अंदर इटरनल लाइफ है वो अपने भाई से प्रेम करेगा, अपने सास ससुर से प्रेम करेगा, अपने पड़ोसियों से प्रेम करेगा, अपने सारे लोगों से प्रेम करेगा, वो इटरनल लाइफ है। यस आमीन। उसके अंदर जीवन है। यस उसके अंदर जीवन है। क्या है? लोग छू नहीं पाते पेड़ को, तो छुआ नहीं लेकिन पेड़ को छूने का, जिसके पास इटरनल लाइफ है वो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं। यस क्या करते हैं? प्रभु को समर्पित। जीवन जीवन समर्पित होता है, अपनी सब कुछ चीजें समर्पित होती है, अपना शरीर देह समर्पित होता है। आज हमको किचन में से बाहर निकलने के लिए टाइम नहीं, और इटरनल लाइफ की बात करते हैं। आज अपने हॉल में से बाहर आने के लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इंटरनल लाइफ की बात करते हैं। इंटरनल लाइफ अपने आप को त्याग कर दूसरों के लिए जीना। यस कुछ लोग बोलते हाउस है, कहते हैं हाउस है, हाउस नहीं है, हाउस है मंदिर पालकाल हाउस, अपनी आयु छोड़कर उसको हाउस है, उसके अंदर लाइफ है, लाइफ yes. हाउस नहीं है, लाइफ है, लाइफ yes. वो लाइफ उसको स्वस्थ बैठने नहीं देता, वो लाइफ वो क्या करता है, उसको परमेश्वर की महिमा। यीशु कभी भी शांत नहीं बैठा। यीशु, अरे जो बच्चा है वो बच्चा जो है वो लात मारता है मां के पेट। मेरा जब बड़ा बेटा जन्म प्रभु ने लिया तो तब हम मेरी वाइफ बोलती थी कि वो इधर से मार रहा है इधर से, तो हम लोग कान लगा के सुनते थे। तो सही में उसके अंदर लाइफ है, और वो लाइफ शांत नहीं बैठता, वो लाइफ कुछ ना कुछ अपने माता के पेट में वो अपनी एक्टिविटीज करता है। जिसके अंदर यीशु का जीवन है वो सुस्त नहीं बैठ सकता, और मेरे अंदर यीशु का जीवन है और नींद ले रहा है, वो ठंडा हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और घर से या अपने सांस स्टेटमेंट देता है, वो लाइफ नहीं है। यीशु का जीवन, यीशु कहा गया वो जहां पर लाजर था, लाजर की कब्र के पास गया और लाजर के कब्र के सामने खड़ा होकर उसने उसके लिए प्रार्थना की। यस आमीन। घर से नहीं, बोला नहीं मैं घर से प्रार्थना करता हूं ना, क्या नहीं बोला ब्रदर आप मैं ना मेरे पास टाइम नहीं, मैं घर से प्रार्थना करता। क्या ये जस्ता है कि ये इटरनल लाइफ है? क्या वो खुद अपनी मीटिंग को खत्म करके बाइबल कहता है वो खुद कब्र के सामने खड़ा खड़ा हुआ। और कब्र के सामने खड़ा रहकर खुद चिल्लाया, खुद आवाज दिया, लाजर वो मान आवाज जो स्वर्ग को निर्माण करने वाला आवाज, जिस आवाज से वो समुद्र डर
Yes. वही आवाज इटरनल लाइफ खुद के लिए नहीं जीता, इटरनल लाइफ दूसरों के लिए जीता। Amen. उसका पहला विचार दूसरों के लिए आता है, अपने लिए नहीं आता। यह है मसीह, यह है मसीह कलीसिया को। ये जो कलीसिया का निर्माण करने का, मैं यहां से कह रहा हूं इस पुलपिट से, मुझे पसंद नहीं आएगा कि मैं आगे से पास्टर हो इस कलीसिया में, पॉलिटिक्स हो जिस कलीसिया में, अगर भेदभाव हो उस कलीसिया में, मुझे पास्टर रहने का कोई शौक नहीं है। मैं कोई शौक के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं प्रभु के वचन के लिए। समझे? और वचन मेरे लिए पहले yes. नाम के लिए, स्पीकर के लिए पास्टर होना नहीं, पास्टर तो परमेश्वर बनाता है। yes. एक सेवक पास्टर बनाता है, बाद में मनुष्य चुनते, बाद में कलीसिया चुनते, लेकिन उसको जन्म से ही परमेश्वर उसकी सेवकाई के लिए प्रभु चुनता है। yes. आप समझ रहे? yes. परमेश्वर का जीवन अगर आपके भीतर है तो आप शांत नहीं बैठ सकते। समझ रहे? yes. आप उछलोगे, आप कूदोगे, आप परमेश्वर की महिमा करोगे, आप परमेश्वर की, आपके पास थोड़ा समय है, आप कहोगे यार रात के 10 बजे कोई परवाह नहीं, रात के 10 बजे मैं जाऊंगा परमेश्वर की आराधना करूंगा। अगर प्रभु आपको बुलाता है तो आप 3 बजे भी उठकर जाओगे, आप अपने समय टाइम को नहीं देखोगे, परमेश्वर को देखोगे। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, वो आपको सुस्त नहीं बैठने देता। yes. बैठने देता साढ़े 3 साल यीशु पैदल पूरे यरूशलेम में। आप जिस बाइबल के पीछे नकाशा देखते हो, कितने लोगों ने देखा ये नकाशा? ये क्या है नकाशा? यीशु की मिनिस्ट्री का नकाशा। पैदल घूमी उसने की हुई सेवकाई, हमको तो 10 किलोमीटर जाने के लिए जान पे आता है। ये है इटरनल लाइफ, यह है पवित्र आत्मा का जीवन, यह है वचन का जीवन। नहीं मेरे प्रियो, वचन है तो उछलता है वो कूदता। अगर ये बालक वो माता के पेट में अगर उछलता है तो आपका जीवन अगर मसीह में और मसीह आप में है तो आप कितने भी सुस्त हो आप उछलोगे परमेश्वर के लिए। yes, amen. शायद आप सहमत हो ना हो, मैं तो वचन कह रहा हूं, मैं तो संदेश कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल ऐसा ही कहता है और हमारे जो स्वाभाविक और स्वाभाविक जीवन है ऐसा ही है। बहनों के पेट में वो बालक शिशु उछलते हैं। जब देखिए, आप मेरे साथ हैं, मरियम ने सुना कि मेरी कजिन, मरियम की कजिन कौन है? इलिशा। बहने थी वो, सुना कि बुढ़ापे में वो बुढ़ा 60 साल की आयु में वो गर्भवती हुई। मरियम ने सुना कि मेरी बहन वो गर्भवती हुई और उसको पहला शिशु होने जा रहा है, इसलिए यूसुफ और वो मरियम दोनों अपने बहन से मिलने गए। जैसे बहन से घर में गए और दरवाजे में उसने अपने बहन को नमस्कार किया, प्रेज द लॉर्ड किया, तो ये जो मरियम आने के पहले इसके पेट में जो 5-6 महीने का यवान बेटा था अंदर, ये हलने रहा था, ढूंढने रहा था, ये कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, ये बहुत टेंशन में आ चुकी थी क्योंकि ये मेरा पहला शिशु है, पहला संतान होने जा रहा है। नबी कहता है कि ये पहला है, इसलिए वो हलचल नहीं, वो तो अब क्या होगा, कैसे होगा, वो परेशान थी। लेकिन जैसा ही यीशु मरियम के द्वारा आई और पहला नमस्कार लिया, तो शिशु जो अंदर था जीवन को, इंटरनल पेड़ को, उस इंटरनल लाइफ को देख के उछल गया। yes, हलचल शुरू हो गई उसके पेट में। जा यीशु है, जा जीवन का पुरुष है, वह हलचल होती है। सुस्त नहीं होता, ठंडा नहीं होता, क्योंकि वह जीवन है। यस, आमीन।
जीवन कुछ मिनटों का नहीं, घंटों का नहीं है जीवन। मैंने भाइयों को कहा शुक्रवार या बुधवार कि हम सोचते हैं कि मेरे 100 साल की उम्र हो, हम सोचते हैं कि हमारी 900 साल की उम्र हो, लेकिन आपको यीशु ने अनंत काल का yes, आपकी उम्र कितने साल की है? अनंत काल की उम्र है आपने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ आदम तो 960, 950 या जो कुछ भी साल जिया मुझे याद नहीं, और भी लोग ज्यादा उम्र व्यतीत किया, लेकिन विश्वासी जो ब्राइड कहलाती है उसको इंटरनल लाइफ दिया, अनंत काल का जीवन कोई गिन नहीं सकता। चर्च अगर इस चीज को समझे, अगर यीशु को छूना चाहते हो, यीशु को स्पर्श करना चाहते हो, तो आपको जीवन मिलेगा। थोड़े लोग छूने, पूरे लोग छूने रहे, पूरे लोग सिर्फ बार बार ही घूम कर जा रहे, लेकिन जो छूने हैं उनके अंदर जीवन आ रहा है, उनके अंदर लाइफ आ रहा है, और वो लाइफ किसी के टेके से नहीं उठता। पास्टर बोले आओ आओ प्रार्थना करें, तब आओ यीशु का और पास्टर का सम्मान करें, फिर बाद में आप प्रार्थना करोगे नहीं करोगे? क्योंकि अगर आपके अंदर जीवन है तो आप कलीसिया में भी करोगे, आप कलीसिया के बाहर करोगे, आप रास्ते में करोगे, आप बस में करोगे, आप ट्रेन में करोगे, आप बिस्तर पे आपके बेड पे करोगे, आप हॉस्पिटल में करोगे, आप जहां भी हो परमेश्वर, क्योंकि वो लाइफ आपके भीतर है। यस, वो जीवन, इसलिए जिसके अंदर जीवन है, एक बात ध्यान में रखना, ये जो जीव है भव चक्रों का लगा है, इसको संभाल के इस्तेमाल करो। यस, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो, आपके अंदर अच्छाई करने की वो शक्ति नहीं है, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो आप किसी का बुरा भी मत करो, आप प्रभु के हाथ में स्वाधीन करके आप आगे बढ़ जाओ, आप प्रभु के बेटे बेटिया बन के रहो, आप न्याय मत करो, आप किसी का न्याय करने वाले कोई नहीं, न्याय करने वाला यहोवा परमेश्वर यीशु है, उसके हाथ में सौंपो, सही हो या गलत वो न्याय करने वाला है, आप प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, आप स्वयं न्याय के सिंहासन पर मत बैठो, वो विराजमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो हमेशा के लिए न्याय है, और वो आपका मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। यस आमीन, इसको संभाल के इस्तेमाल, यस, इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा, जो कुछ बोगे वही काटोगे, यस, जो कुछ बोगे वही काटोगे, आप पाप को बोगे पाप काटोगे, आप जीवन को बोगे जीवन काटोगे। ये चीज है, आप गलत चीज को बोगे गलत, अगर आप गलत जीवन जी रहे हो तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि अच्छी चीज है? क्या हो सकता है? कदापि नहीं। गेहूं को बोगे तो गेहूं ही होगा। गेहूं के साथ में कुछ सीताफल भी चाहिए, सीताफल बहुत पसंद है मुझे, मुझे तो एप्पल बहुत पसंद है, मैंने तो गेहूं लगाया भी, एप्पल भी और सीताफल भी चाहिए, हो ही नहीं सकता। आप जो बुराई में जियोगे, मैं बुराई में जीऊंगा तो बुराई को ही काटूंगा, बुराई की फसल निकलेगी, अच्छाई की फसल आ नहीं सकती। वो तो हम पेंटिंग मारते कौवे को कबूतर बना लेते थोड़े समय के लिए, लेकिन बारिश आती है कौवा कौवा yes. बारिश में तो बगैर बारिश के 4 महीने तो कौवा तो ऐसा दिखाता कि मैं कबूतर ही हूं, लेकिन जैसा एक बूंद गिरेगा उसका रंग दिखाई देगा। अगर आपके अंदर जीवन है, वो जीवन का दृश्य सबने छूना चाहिए, yes. सबने उसमें से खाना चाहिए, ताकि उनमें जीवन है, उनमें परमेश्वर का स्वभाव है,
इसलिए कोई सब लोग वो गली वो वहां से यरूशलेम में से जा रहा था, हर एक नगर में जा रहा था, लोग उसको देख रहे थे, उसको सोचते थे वो नाजरेत का यीशु है, वो मरियम का बेटा है, वो यूसुफ का बेटा है, वो यूसुफ और मरियम का बेटा नहीं, वो जीवन का पेड़ उतर कर आया था। यस आमीन। और उस चीज को यशया भविष्यवक्ता ने उसने 9 अध्याय के अंदर देखा, बोला कि वो सनातन पिता वो जो है उसके कांधे पर सब प्रभुता दिए, सारी पृथ्वी की प्रभुता उसके कांधे पर दिए, वो जन्मा है हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए, क्षमा करने के लिए। यस आमीन। लेकिन कितने लोगों ने छुआ? 4,500 लोगों ने खाया, खाना खाया कि नहीं उसके साथ? एक बार 5,000 लोगों ने कहा, किसने छुआ? किसने नहीं छुआ? ना देखा, लेकिन ये एक स्त्री है वो कहती है, वो मुझे देखे ना देखे, वो मुझे छुए ना छुए, लेकिन मैं उसे छुआ। हमें यही होना चाहिए कि यीशु को हम छुएंगे, यीशु को हम पाना चाहते हैं। वो जो पेड़ उसने देखा कि मेरे बच्चे पाप में जी रहे हैं, उनका मृत्यु हो रहा है, कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए वो जीवन का पेड़ स्वयं देहधारी हुआ, फिर मनुष्यों के बीच में आया। वही जीवन का पेड़, वो आग के अंदर शत्रक मेशक थे, सच्चे विश्वासी थे, उनके लिए वो जीवन का पेड़ ठंडा ठंडाई लेकर आ गए। समझ ले, वो उनके लिए ठंडाई लेकर आया। वो जैसे ही आया आग ठंडी हो गई, आग तो है लेकिन ठंडी आग हो गई। प्रेज द लॉर्ड। लोग आश्चर्य हो गए, सच्चे विश्वास से जहां वहां ये हुआ परमेश्वर। यस आमीन। यीशु है क्यों? आप समझ रहे हैं? यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्यों ठंडे हो गए? जीवन है तो जीवन बाहर आना चाहिए। yes. जीवन है तो जीवन सबसे प्रेम करना चाहिए। जीवन अपने भाइयों से प्रेम करेगा, जीवन अपने बहनों से प्रेम करेगा, जीवन अपने कलीसिया से प्रेम करेगा, जीवन अपने सास ससुर से प्रेम करेगा, जीवन अपने पड़ोसियों से प्रेम करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो जीवन भेदभाव नहीं करता। जीवन वो जो है उसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं रहती, ये गरीब है, ये अमीर है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं, जीवन सबसे प्रेम करता। इसलिए उस जीवन ने उस लकड़ी से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यस आमीन। उस जीवन ने उस लकड़ी से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते इन्हें मालूम नहीं। क्यों कहा इसने? ये क्या करते इन्हें मालूम नहीं, मतलब ये क्या कर क्या कहना चाहता है? वही तो जीवन का पेड़ है, इसलिए कह रहा है कि ये क्या करते हैं इन्हें पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च को भी पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, चर्च को भी पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। जीवन है तो जीवन फूट फूट के बाहर निकलता है। यस। जीवन बाहर रोज रोज निकलता है, जीवन ग्रुपिज्म भी तैयार करता है। आज कलीसियाओं में ग्रुपिज्म तैयार हो रहा है, थोड़े थोड़े ग्रुप, दो लोग से खड़े होते, चार लोग से मिलते हैं, ये ग्रुपिज्म नहीं है। कलीसिया सबकी है। yes. सब हम भाई बहन है। कलीसिया में ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, कलीसिया में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। कलीसिया वही है। Yes. कोई कलीसिया किसी भाई बहनों के विरुद्ध, अगर किसी के परिवार के बारे में, मेरे परिवार के बारे में मालूम पड़ा तो हम किसी परिवार को नहीं बता सकते। yes. उनके लिए प्रार्थना करें। yes. उनके लिए दया मांगे। कुछ बहने भाई है यहाँ पर जो, लेकिन कुछ ऐसे भी है कि हो सकता कि वे जीवन को नहीं छोड़े। yes. चर्च इसलिए निर्माण नहीं हुआ, ये इसलिए आपको मुझे बाहर नहीं निकला, जीवन को छूने। yes. जीवन को छूने के लिए अगर आप उस उद्देश्य से भटक जा रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस उद्देश्य के लिए आए हो कि जीवन को छुए। yes. क्योंकि हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य वही है कि जीवन को हम छूना चाहिए, और जीवन हमारे बीच में से आज जा रहा है। यीशु अपने दौर को बंद करने पर है, और युगों को
समाप्ति पर है। अब यीशु वापस उस देश में लौटना जा रहा है जिस देश को उसने प्रेम किया, वो देश है इज़राइल। वो अब इज़राइल से मिलने जा रहा है। आपको अभी मौका है कि जीवन को छू जाए। यस, वो प्रेम था भाई। क्या कोई कह सकता है यीशु प्रेम नहीं था? यीशु उस क्रूस पर था तो वो कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते इन्हें पता नहीं। उसने बदला ले लिया। आप अगर बदला ले रहे हो आप में जीवन नहीं, आप में जीवन नहीं। जीवन कभी बदला नहीं लेता, जीवन प्रेम को जीवन को जीवन बदला लेने वाला नहीं। आपको मसीह नहीं समझा, आप नबी की किताबों को पकड़ रहे हो, किताबें नहीं समझी। वो तो प्रेम से भरी हुई किताबें हैं, वो प्रेम का पैगाम लेकर आई है आज संसार के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने लिए एक चुनी हुई कलीसिया निर्माण की कि उसके जैसी बने। यीशु क्या था? प्रेम था। कलीसिया भी प्रेम बने। Yes. अगर जिन्हें समझ में आया तो प्रेम को प्रस्तुत करें। yes, संसार में प्रेम नहीं है। yes. आपको बुलाने का कारण, चुनने का कारण है कि आप संसार से प्रेम करें। किसके समान? यीशु के समान। yes, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. एक समय मैं भी सोचता था मैं भी बदला लूंगा, मैं ऐसे करूंगा। आज वो नहीं सोचता, आज वो मेरी सोच नहीं, क्योंकि उसको छू गया। yes, yes, yes. जिसका उस पर छोड़ दो। yes. वो न्याय है। yes, yes. वो परमेश्वर। yes, वो न्याय है। yes, और न्याय yes, का yes, और ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है? बहुत लोग बोलते हैं मेरे को हंसी आती है। अगर इस भाई को अगर तकलीफ हुई तो मुझे क्या है? खुशी की बात है, ये इंटरनल लाइफ है कि वो दुखी है एक पाप के कारण, किसी गंदगी के कारण। मैं खुश रहूंगा? नहीं, कदापि नहीं। मैं तो उस भाई के लिए रोऊंगा। मैं उस भाई के लिए कहूंगा प्रभु उसे क्षमा कर। वो है इंटरनल। यीशु ने कभी नहीं किया, नबी ने ऐसा नहीं किया। वो तो उनके लिए चिल्ला रहे थे जो सुख में है, कष्टों में है, वो सारे चीजों में वो चिल्लाए रोए कि प्रभु उनके बदले में हमें ले। क्या चाहिए? दातान कोरान ने ये कलीसिया के लोगों ने पाप किया तो मूसा ने कहा परमेश्वर उनको मत मार, इस इज़राइल को मत मार, मुझे पहले मार। पहले वो आड़ा हो गया। yes. Yes. उसने कहा वो मूसा हट जा, नहीं मैं हटूंगा नहीं परमेश्वर, पहले मुझे मार, क्योंकि तूने उनको बाहर निकाला। इसलिए नहीं बाहर निकाला कि लोग कहेंगे कि आपने उनको इजिप्ट में से बाहर निकालकर बीच जंगल में मार दिया। नहीं परमेश्वर, आज हमारी भी भूमिका वही है। yes. कि आपको परमेश्वर ने जो बाहर निकाला इसलिए नहीं, लेकिन आपको जीवन के लिए। yes. जीवन के लिए। आपके भीतर जीवन हो। हम कुछ नहीं होना चाहिए मेरा भाई दुखी है ना, ये लाइफ नहीं है। यीशु क्यों रोया? वो क्यों रोया? लाजर के लिए। परमेश्वर रोता है? हाँ, परमेश्वर के अंदर एक मांस रूपी हृदय। yes, praise the Lord. Praise the Lord. वो हृदय उसका प्रेम से भरा हुआ है। yes. praise the Lord. Praise the Lord. वो हृदय रोया लाजर के लिए। मिर्च खड़ा है तो खोटा है कि खोटिया है? अरे क्या साबित कर रहा? खोटा खर क्या है? बात खत्म हो गई। वो हमारे भाई बहन है। खत्म। हम तो उनको अपने भाई देखते हैं। वे गलती करो मत करो, वे हमारे भाई बहन है। यीशु ने भी हर एक को अपने भाई बहन करके, अपने बेटे बेटिया करके देखा, पाप भी करके नहीं देखा। यस, अगर आप लाइफ को छूते हो,
चर्च समझा आपको बुलाने का उद्देश्य क्या है, आपको यहां लाने का उद्देश्य क्या है, आपको सच्चा बपतिस्मा देने का उद्देश्य क्या है, आपको सच्चा कलाम देने का उद्देश्य क्या है, आपको नबी का संदेश देने का उद्देश्य क्या है, कि आप मसीह के समान काम करें। यस मसीह के समान। शैतान तो चाहता है कि हम यहां लड़े, पॉलिटिक्स खेले, वो राजकीय नए राजकीय काम करे, इसके विरुद्ध उसके विरुद्ध हम ये सारी चीजें करें, हम प्रार्थना ना करें, हम ये सारी चीजें निर्माण करें, ये शैतान चाहता है। परमेश्वर yes. परमेश्वर हमको छूने के लिए कह रहा है, खुद उतर कर आया, देहधारी हुआ, और जब उसको छुआ तो लोगों का जीवन बदल गया। आप समझ रहे हो? Yes. आप समझ रहे हो? Yes. अब छुओ, अब छुओ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर का दास नबी, शायद अगले संडे भी मैंने बताया होगा, पिछले संडे माफ करना, कि उस नबी को वो जब जंगल में प्रार्थना करने के लिए गया तो परमेश्वर ने दर्शन दिया कि एक लड़की ऐसी बीमार है, और वो पूरी तरह से मरने पर है, लेकिन उसकी दादी गालियां दे रही है आपको। क्या उसकी दादी गालियां दे रही? अनसीन, लुक ऑन टू अनसीन, कुछ ऐसे मैसेज है उसके। दादी गालियां दे रही कि वो आता नहीं है, क्या क्या, उसको सेवा से आप कर दे, कर रही, माफ करना, लेकिन वहां ऐसा है कि वो आए और वो प्रार्थना करे, इसके लिए वो ऐसे ऐसी बोल रही है, और बोल किससे रही है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि उस ब्राह्मण को मार दे, ये कर दे, यह कर दे, हमका कर दे, सब उल्टा सुलटा बोल रही है। कुछ मिनटों में वो जंगल से आया, उस दरवाजा वही दादी गाली देने वाली दरवाजे पे खड़ी, लेकिन इन्होंने उनको प्रेज लॉर्ड किया, वे गए और परमेश्वर से कहा कि प्रभु जो आपने दिखाया पूरा हमने, और उसके लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद वो चंगी हो गई, और वो कई सालों के बाद उनको मिली। डॉक्टर लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ऐसी बीमारी से कोई बच सकता है, लेकिन परमेश्वर यू कहने वाला वचन है, yes. वो परमेश्वर का दास है, उसको दर्शन है और वो चंगा ही प्राप्त, yes, और उसके अंदर जीवन है, और वो एक दिन उनको मिलने गए। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा जो हमको उल्टा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लाइफ है, और वो कहीं जंगल में बैठ के उनकी दादी जो कह रही है वो सब सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको दिखा रहा है। वो चाहता था तो बोलता था नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, लेकिन वो गया क्योंकि उसके अंदर जीवन है, परमेश्वर के जीवन से भरा है, परमेश्वर के प्रेम से भरा है, परमेश्वर के दानों से भरा। हम किस बातों से, हम किन बातों से, हमारे अंदर कौन सा जीवन है? इसलिए कलीसिया के सब लोग नहीं छुपाते उस जीवन के पेड़ को, केवल थोड़े लोग उस जीवन के पेड़ को छू पाते हैं। थोड़े लोगों ने उस समय जो 2000 साल पहले सबने नहीं छुआ, केवल थोड़े लोगों ने, जब वो परमेश्वर जब उसको छूने के लिए लोग आते थे मर जाते थे, उसके सामने खड़े नहीं रह पाते थे, डरते थे, लोग कांपते थे, वही परमेश्वर देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, आज वही परमेश्वर आज संदेश के द्वारा हमारे बीच में छुए, उसको जीवन, लाइफ, जीवन का पेड़ आपके पास। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको छूना चाहता है आज इस दोपहर के समय, प्रभु आपको छूना चाहता है। अगर आपने प्रभु को नहीं छुआ तो आप प्रभु से कहिए कि मुझे
मुझे किसी भी हालत में वो यीशु इस जीवन में मैं जब तक जिंदा हूं मैं छूना चाहता हूं. यस आमेन. अगर नहीं छूते आपका स्वभाव सालों साल वैसा रहेगा, आपके विचार सालों साल वैसे रहेंगे, आपकी वो कलाकृति जो भी है आपकी एक्टिविटी सारी वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन आप छूओगे तो आप बदल जाओगे. Yes, Praise the Lord. नतानेल को देखिए, परमेश्वर ने आदम को महसूस हुआ, आदम को कहा कि तू जिस मिट्टी से बनाया गया उसी मिट्टी को सालों साल खेती करेगा. जिस मिट्टी से बनाया आदम को, जिस मिट्टी से बनाया उसी मिट्टी को सींचने के लिए, काम करने के लिए, हल जोतने के लिए कहा, और उसको वो सजा दी परमेश्वर ने. लेकिन आज हमें वो सजा नहीं मिल रही है, आज हमें परमेश्वर इसमें से बाहर निकाल रहा है, इन सारी चीजों से हमें बाहर निकाल रहा है केवल यीशु के जीवन के द्वारा. यस आमीन. आप बाइबल पढ़े, उसको कहा तू जिस मिट्टी से बनाया गया उसी मिट्टी में दिन रात मेहनत करेगा. आज परमेश्वर इसलिए देहधारी हुआ कि उसके उस शब्द को तोड़ने के लिए सोए, उसके शब्द को कोई तोड़ नहीं सकता, उसने कहा हुआ वचन कोई मोड़ नहीं सकता, लेकिन स्वयं जिसने कहा वही देहधारी हुआ और उसने उन सारे चीजों को, उन नियमों को तोड़ दिया और हमारे लिए प्रेम और अनुग्रह. यस आमीन. ये तो हम भी हल जोतते रहते संसार के समान. आज आपको जीवन के पेड़ से मिल रहा है, आप जीवन के पेड़ से लीजिए, आपको जीवन दे रहा है परमेश्वर. यस. इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको उस जीवन को देना चाहता है. एक बार क्या हुआ, नतानेल अपने मित्र के पास गया, लेकिन मित्र जो था माफ करना फिलिपुस उसका मित्र था और फिलिपुस नतानेल का मित्र था, दोनों भी इसराइली थे, लेकिन नतानेल किसी पेड़ के नीचे कई दूर जाकर सच्चे परमेश्वर को छूना चाहता है, देखना चाहता था, और वही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं. किधर? पेड़ के नीचे. मैं आपको आज खोल के बताना नहीं चाहता क्योंकि टाइम उसमें ज्यादा जाता है. और नतानेल प्रार्थना कर रहा है, फिलिपुस दौड़ कर आया, जैसा हम भाइयों को बोलते मैं यहां रुकना चाहता हूं, मुझे प्रभु एक बात याद दिला रहा, आप उनके लिए प्रार्थना करो जो कलीसिया में आते, जो हमारे चर्च के भाई बहन हैं जिन्होंने बैप्टिज्म लिया वे कलीसिया आते हैं लेकिन वे अपने घरों में हैं, आप उनके लिए मेहनत करो, उनके घर जाओ, उनसे बातचीत करो कि आओ प्रभु का संदेश सुनो, प्रभु के संदेश को ग्रहण करो, जो हमारे अपने भाई बहन समझ रहे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, उनके पास जाओ, उनको विजिट करो. क्या करो? उनको विजिट करो जो हमारे अपने हैं, सभी अपने हैं, लेकिन जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, किसी कारणवश नहीं आते बैप्टिज्म लेकर, उनको प्रायोरिटी दो, उनसे जाके मिलो, उनको टाइम दो, निश्चित आपके जीवन के भाग में ये जोड़ा जाएगा. Yes, amen. क्या जोड़ा जाएगा? ये जोड़ा जाएगा, उनको इंपॉर्टेंट दो क्योंकि उन्होंने बैप्टिज्म लिया, प्रभु को ग्रहण किया, वे कलीसिया आते थे लेकिन किसी कारणवश, शायद हो सकता है पास्टर से नाराज हो, शायद हो सकता है उनकी तकलीफ हो, शायद हो सकता है वो बीमार हो, शायद हो सकता है कलीसिया में से किसी से नाराज हो, लेकिन आप उनके लिए शर्म करो जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है. कौन सा है वो? हमारे भाई बहन. यस मसीह. फिर बाद में गॉस्पल प्रीच करो, लेकिन यहां पे क्या किया, उसका नतानेल उसका अपना भाई मसीह है, इज़राइली है, लेकिन वो इसको तो मिल गया, ये दौड़ते 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 उसके पास है, लेकिन ये भी प्रार्थना कर रहा था प्रभु कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिलने, सच्चे परमेश्वर को देखना है.
ये गया उसके पास और बोला उसको उठाया, मित्र मुझे तो वो मसीह मिल गया। क्या कहा उसने? मसीह मतलब अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन, वो मुझे मिल गया। राइट, नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं आती। ये तो जीवन का पेड़, यस जीवन का पेड़, इसको मिल गया तो इसने जाकर औरों को बताने की कोशिश किया कि भाई मुझे जीवन का पेड़ मिल चुका है। यस, इसने उसको बोला प्लीज एक बार आके तो देख, मित्र है, मित्र की बात मानने के लिए बोला ठीक है मैं आके देखता हूं। और जैसे ही गया उसने जीवन को पेड़ को देखा, और जैसे ही देखा जीवन के पेड़ ने उससे बात की, yes. बोला नतानेल तू सच्चा इज़राइली, तुझमें कोई कपट नहीं। yes. अरे इसने मेरा नाम कैसे पहचाना? ये कौन है? वही तो जीवन का पेड़ है, yes, इसके अंदर आपका नाम लिखा है। yes. 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 मैंने आपको नहीं पहचाना उस जीवन के पेड़ में जो मेमने के पुस्तक में आपका नाम दर्ज है, उसने आपको पहचाना और पहचान के आपको आवाज दिया वचन के द्वारा। आज जो परमेश्वर आवाज देता है आओ वो आवाज से नहीं, आज वचन से आवाज दे रहा है। yes. ये मेरे लोगों उसमें से बाहर निकलो। yes. इसमें से उन रीति रिवाज सब मत सिद्धांत और सारी चीजों से संसारिक जीवन से, हे मेरे लोगों उसमें से बाहर। हालेलुया। इसने देखा बोला ये ही है, बोला इसने तो मेरी स्टोरी बता दिया, बोला प्रभु कब से जानता है तू मुझे? उसको गुस्सा हुआ, अरे भाई इसकी पहचान नहीं, ये मुझे पहचानता नहीं, मैं इसको पहचानता नहीं, इसकी मुझे पहचान, एक दूसरे की पहचान, हमने एक दूसरे को देखा नहीं। बोला प्रभु आप कब से जानते हो? बोला तब से जब से जब आप उस पेड़ के नीचे प्रार्थना, प्रार्थना किसके पास गई? स्वर्ग में गई। स्वर्ग का परमेश्वर तो है नहीं उधर, अभी वो तो पृथ्वी पे चल रहा था। वो जीवन का पेड़ कहां चल रहा था? जमीन पर, इज़राइल में, इज़राइलियों के बीच में। वो प्रार्थना सीधी इसके पास, यीशु ने उस प्रार्थना को सुना और सुनकर उसको जवाब दिया, बोला तू सच्चा इज़राइल है, तुझमें कोई कपट नहीं है, तू सच्चा है। और उसका जीवन बदल गया, वो यीशु का शिष्य हो गया है। जीवन क्या हुआ? वो शिष्य हुआ, फिर डरा नहीं वो उसके पुराने कलीसिया के पुराने रिश्तेदारों के लिए, बोला नहीं मुझे तो मसीहा मिल गया। yes. तो मसीहा मिल गया, उसको कोई डर नहीं होता। yes. Praise the Lord. उसका डर भय निकल जाता है, उसको कौन क्या कहेगा परवाह नहीं, उसको कौन क्या कहेगा वो परवाह नहीं, कुछ मिले या मिले कुछ भी परवाह नहीं, लेकिन उसको तो मसीहा मिल गया। मुझे तो मसीहा मिल गया, और वो यीशु का शिष्य बन गया। yes. जीवन का पेड़ मिलता है, आदमी बदल जाए, वही जीवन का पेड़। इसलिए तो कह रहा है जीवन की रोटी। अरे समझो मेरे भाई बहनों, वही जीवन की रोटी है जो उत्पत्ति के अंदर, वो जीवन का पेड़ है, वो जीवन की रोटी एक ही है, जीवन ही है। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसको आजू बाजू क्या है? Praise the Lord. उस यीशु के आज अगर यीशु को अगर हासिल करना है तो इसमें से जाना। yes. ये हो तलवार। किसके आजू बाजू घूम रही है? यीशु के। yes. उस जीवन के मनुष्य के आजू बाजू ये तलवार घूम रही है। चारों दिशाओं से आप कहोगे नहीं नहीं दक्षिण से चौंका, चारों दिशाओं से प्रेज़ द लॉर्ड चारों दिशाओं से घूमती हुई तलवार है, क्योंकि इब्रानी के अंदर लिखा है परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। यस आमीन। ये सोर परमेश्वर का कहा मूल वचन ही मूल दीजिए। यस आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड कोई बीज नहीं हो सकता और कोई जीवन नहीं हो सकता। यस, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बदलना चाहिए। यस, किसके लिए? आप मेरे लिए मत बदलो,
Yes, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु का जीवन क्या आप चाहते हो आज इस सुबह आप उसे छूना चाहते हो? Yes, amen. कितने लोग उसे छूना चाहते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. अगर कोई बदलाव चाहता है, कोई प्रार्थना करवाना चाहता है, कोई अपने जीवन का बदलाव चाहता है, तो वे आ गया है प्रार्थना अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करके. हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अपने आप को अर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं, मैं आपको पूरी तरह से चिन्हना चाहता हूं, आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपका बेटा बनकर आपको स्पर्श करना चाहता हूं. अगर कोई है तो वे आ गया है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे. साथ में जो नहीं है, अगर है तो मौका है, अगर आपको छुआ है, अगर आपका पत्थर का हृदय है, प्रभु आपको महासुख हृदय बनाना चाहते हैं, आपको आशीषित जीवन देना चाहते हैं, तो आप अपना जीवन किसको देना चाहिए? देखिए, आपका हृदय अगर आप मेरे बच्चे मेरे पास हृदय लाके देंगे तो मैं सुरक्षित रख नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही टाइम वक्त वो शॉर्ट है. इस देह ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, एक दिन ये मिट्टी देह में मिल जाएगा, मतलब मिट्टी में मिल जाए, ये देह नहीं रहेगा लेकिन आत्मा रहेगा. सुरक्षित नहीं है वो मेरे हाथों में मेरे बच्चे. अगर पति अगर पति को देगी बोलेगी कि नहीं पति है मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है अच्छे है, उनके पास भी उनका हृदय सुरक्षित. पति का हृदय कहेगा कि मेरी पत्नी घर में रहती है, वो सुरक्षित है, वो अच्छी है, वो ठीक है, उसके हाथ में देता हूं, वो भी सुरक्षित है. केवल सुरक्षित स्थान है यीशु. Yes, amen. यीशु को अपना हृदय दे दो, उससे कोई छीन नहीं सकता. कोई चोर डाकू लुटेरा कोई शैतान यीशु के हाथ से. इसलिए यीशु कहता है मत्तै के अंदर, पिता ने मुझे जितने भी दिए उतने को कोई मुझसे छुड़ा नहीं सकता, छीन नहीं सकता. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. जितने लोग उसके हाथ में, कोई उसे छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में आपका जीवन है. Yes. अगर आपके हाथ में जीवन है, आपके चर्चेस में, गिरजाओं के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथ में, पति और बच्चों का जीवन माता पिता के हाथ में, छीन सकता है सिर्फ. लेकिन यीशु कैसे? Yes, amen. Praise the Lord. अगर कोई देना चाहता है, हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया हो, लेकिन मनुष्य गिरता है, चुकता है. कोई देना चाहता है, शर्माइए मत, आपकी शर्म आपको जीवन नहीं दे सकती, जीवन यीशु. Yes, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. आप आ सकते हो, आप आ सकते हो. भाई एक वचन पढ़ना, केवल एक वचन. मैं उन भाई बहनों के लिए शायद सहायता करके दे रहा हूं उस वचन को. शायद प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और हम उसको उस वचन को 2 अध्याय और 17 वचन में से पढ़ेंगे. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है. जो जय पाए और उनमें गुप्त मन्ना में से उन्हें उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसके जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा. अब अगर हम जो चाहते हैं तो परमेश्वर हमें देना चाहता है. क्या आप लेना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको देना चाहेगा. अगर इसलिए आप उस श्वेत पत्थर में से जो परमेश्वर का है वो अगर आपको देना चाहता है तो आप उसे लीजिए. अपना जीवन प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए ताकि आपका जीवन परमेश्वर के आशीष से भर जाए, परमेश्वर की कृपा से भर जाए, परमेश्वर की दया से भर जाए और परमेश्वर की महिमा हो. क्या आप चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं. परमेश्वर
परमेश्वर उनको जीवन देना चाहता है। आज इस दोपहर के समय कोई भी यीशु आपका स्वागत कर रहा है मेरे प्रियो, यीशु आपको स्वागत कर रहा है। अगर आप उसे छूना चाहते हो तो निश्चित आपको छू देना चाहते हैं, वो आपको वो आशीष देना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने के लिए। yes, आप ये मत कहिए कि मैं बहुत अच्छा हूं व्यक्ति हूं, अच्छा यीशु है। yes, yes, वही पवित्र है, भला है। आप शर्माइए मत, आप अपना बोझ अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप कर एक शुद्ध जीवन, एक आशीषित जीवन, एक छूने वाला जीवन आप देकर परमेश्वर के हाथ में देकर। और एक वचन कहता है, दो अध्याय उसी का सात वचन क्या कहता है देखिए, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। yes, yes. आपको फिर वापस उसी पेड़ शुरुआत में है वो और वो आखिरी में। yes. उसमें से खाने को मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए, वही हमारे लिए। yes. अगर आप फिर मैं आखिरी आप लोगों से विनती कर रहा हूं, अगर ठीक है आपको नहीं आना है, आप अपनी जगह पे उठने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेगा, और अपने हाथों को ऊपर उठाना और प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करें, बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। जो लोग खड़े होना चाहते थे, वो जिनको लगता है कि वे घुटनों पे जाए और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, वे अपने स्थान में घुटनों पे जाकर परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर की महिमा और जलाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आज इस सुबह के समय हम आपको पुकारते हैं महान परमेश्वर, मैं और ये कलीसिया जो आपकी है प्रभु, हम आपके हैं, हम किसी गिरजा के, किसी पादरी के, किसी के नहीं है परंतु आपके हैं, क्योंकि आपने अपना लहू देकर जीवन देकर हमें खरीदा। प्रभु आज इस सुबह के समय हम आपको छूना चाहते हैं, हम आपको स्पर्श करना चाहते हैं, और हम आपको देखना चाहते हैं, और ताकि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, सारी चीजें और हमें प्रेम आए, हमें वो सामर्थ्य आए, हमें वो पवित्र आत्मा आए। यीशु सहायता इन भाई बहनों को, जिन जिन लोगों ने अपना हृदय आपको देना चाहते, हृदय को स्वीकार कर और प्रभु आपसे लेकर आपके आने तक उन्हें सुरक्षित कर, उन्हें मोहर कर, शैतान के हाथ में ले जाने, ना हमारे हृदय को, ना हमारे जबान को, ना हमारे शरीर को, ना हमारे आंखों को प्रभु, केवल आपकी महिमा के लिए, केवल आपकी आराधना के लिए, केवल आपकी स्तुति के लिए लाओ। प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों को स्पर्श, उन सारे घुटनों को जो आपके लिए टिके हैं, आपके लिए समर्पण कर रहे हैं, अपने आप को आपको समर्पित कर रहे हैं। यीशु, अनेक लोग वहां पे यहूदी और इसराइली थे, लेकिन थोड़े लोगों ने आपको जाना और आपको स्पर्श किया, क्योंकि आप ही वो जीवन का मनुष्य थे। इसलिए प्रभु आज हमारे बीच में भी आए, ये छोटी सी कलीसिया, छोटी सी चुन, वो थोड़े मुट्ठी भर लोगों के बीच में वो जीवन को उंडेलिए, जो 2000 साल पहले आपने उस अटारी के ऊपर 120 लोग
आशीष करो, ये काम कार्य किसी मनुष्य का नहीं, इसलिए आपने नबी को भेजा, इसलिए आपने सच्चा बपतिस्मा, सच्चा संदेश, सच्चा वचन हमारे तक पहुंचाया, ताकि हम मिलावट का जीवन ना जिए, परंतु यीशु शुद्ध पवित्र जीवन, यीशु शुद्ध मन्ना जो स्वर्ग से जीवन प्रभु, उस जीवन के वृक्ष में से खाना चाहते हैं। आपने कहा है, मैं तुम्हें खाने को यीशु सहायता कर इन भाई बहनों को, मुझे, हमारे बच्चों, हमारे सारे लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा लिया, घरों में बैठे अलग स्थानों में, उनसे बात कर मेरे मूल्यवान परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, सबको स्पर्श कर, सबको प्रभु, आप इन्होंने अपना जीवन आपको देने के लिए वे शर्माए नहीं, घबराए नहीं, ये आपके लिए आए हैं, उन्हें स्वीकार कर, उन्हें आशीष, जिन्होंने अपने कुर्सी पर, अपने स्थान पर घुटने टेके, उनको उनको स्वीकार कर, उनके जीवन को वे आपको छूना चाहते हैं, वे आप तक पहुंचना चाहते हैं, यीशु तो जो अपने कुर्सी पर है वे प्रभु, वो अपने किए हुए और अपने जीवन पर शर्मिंदा है, जो खड़े हैं और जो सोच रहे हैं कि प्रभु हाँ नहीं आपसे मैं नहीं जीऊंगा, ऐसा मैं आपके लिए जीऊंगा, जीऊंगी, जो कह रहे हैं उनके शब्दों को, उनके विचारों को आप स्वीकार कीजिए, मुझे भी आपके हाथ में दया कर, लहू को लगा, लहू जीवन है, इसलिए हमें उस जीवन के पेड़ से खाने के लिए, ताकि आप आपकी सारी बातें कृपा दया कर, करुणा कर, इस सभा को और इस सारे वचनों को, संदेश को, सारे बातों को आपके हाथों में प्रभु सहायता कर, कृपा दया कर, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के मधुर बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष लेंगे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा हम सब के साथ सदा सर्वदा, इस कलीसिया के साथ सदा सर्वदा।